लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक में से मैंने आपको ऐसा ही मात्रक भी बता दिया था कैसे आया एम्पियर गुणा सेकेंड, जिसको कूलम के नाम से जाना जाता है। विद्युत धारा की परिभाषा से निकाला था ये आई बराबर क्यू ओवर में टी। ठीक, नेक्स्ट जो मात्रक बताया मैंने सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम अगर इसका रिलेशन देखें कूलम और स्टेट कूलम में, तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। ये संबंध है, अगर स्टेट कूलम को कूलम में बदलना है तो इस संबंध से बदल सकते हैं। आगे इसका एक और मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, यह इसको बोल सकते हैं कि इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक को जो दिया गया है नाम, उसकी शॉर्ट फॉर्म ये दे दिया है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको ईएमयू। ईएमयू की फुल फॉर्म में विद्युत चुंबकीय मात्रक है। इलेक्ट्रो, ई का मतलब है इलेक्ट्रो, एम का मतलब है मैग्नेटिक, यू का मतलब है यूनिट, ये इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक है। अगर इसका भी संबंध देखें, एक कूलम बराबर होता है 1/10 ईएमयू। अगर कूलम को ईएमयू में बदलना है या ईएमयू को कूलम में बदलना है, तो इस रिलेशन की सहायता से इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना। एक इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। सबसे बड़ा जो मात्रक है इसका वो है फैराड। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। तो ये इनमें संबंध है फैराड में और कूलम में। क्लियर है ना, ये सारे के सारे आवेश के ही मात्रक है। ठीक, आगे मैं बताऊंगा आपको कि आवेशन के मेथड या आवेशन की विधियां किसी भी वस्तु को किस किस तरीके से आवेशित किया जाता है। देखो बेटा, वस्तु को आवेशित करने की तीन विधि है, तीनों के नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पहले है घर्षण विधि। कौन सी है? घर्षण विधि। दूसरी है चालन विधि, या इसको एक और नाम से जाना जाता है संपर्क विधि। और एक लास्ट है आपकी प्रेरण विधि। ये तीन विधि है किसी भी वस्तु को आवेशित करने की। ये तीन विधि है, पहली है घर्षण विधि, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कॉन्टेक्ट बाई सॉरी चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड है, इन तीन मेथडों की सहायता से किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेथड है ये तीनों की तीनों, क्योंकि मैं आप सारी चीजें अगर देखना चाहे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो देखो मैं पहले डिस्कस करूंगा घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखो बेटा, आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो देखो ये वैज्ञानिक हुए थे बहुत ईसा पूर्व पहले, बहुत पहले बताया था एक वैज्ञानिक ने कि भाई कोई भी चीज अगर किसी से रगड़ते हैं, किसी या एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, तो वो वस्तुएं आपस में आवेशित हो जाती है। आवेशित होने का मतलब क्या है कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, थेल्स ने बताया था कि जब हम अपने सूखे बालों में कंघा रगड़ते हैं, और कंघा रगड़ने के बाद
कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं, तो वो कंघा उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करता है। उसका आकर्षण का कारण क्या है? आवेश, क्योंकि वो कंघा है जो आवेशित हो जाता है, इस वजह से वो उस पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेता है। और भी अगर एग्जाम्पल लेना चाहे, आप अपने पेन को बालों में रगड़िए, थोड़ी देर रगड़ने के बाद मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाएंगे, मिट्टी के छोटे छोटे कणों के पास ले जाएंगे, तो वो पेन में मिट्टी के जो कण है वो चिपक जाते हैं, बिना संपर्क कराए ही अट्रैक्ट हो जाते हैं पेन की ओर। दूसरा एग्जाम्पल ये हो, पहला एग्जाम्पल कंघा और बाल, सेकेंड एग्जाम्पल पेन और, थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, घर पे भी करके देख सकते हैं कोई भी वस्तु कैसे आवेशित होगी। आप देखे होंगे सर्दियों में जब हम भुजान या टी शर्ट को उतारते हैं, उतारते टाइम जब वो हमारे बालों से रगड़ा खाती है बनियान या टी शर्ट, तो उसमें चिटर चिटर की आवाजें उत्पन्न होती हैं, या थोड़ी सी चिंगारियां सी उत्पन्न होती हैं, ऐसा लगता है जैसे करंट आ रहा हो। तो एक तो वह है, वो क्या है कि बाल और टी शर्ट के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या हो जाती है, वो दोनों आवेशित हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कैसी है, कुचालक, बाल भी कुचालक टी शर्ट भी कुचालक। तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल ये, अगर चौथा एग्जाम्पल भी देखना चाहे बेटा, चौथा एग्जाम्पल ये ले लेना, एक कुर्सी लेना प्लास्टिक की, ऐसा नहीं है कि लकड़ी की पे बैठे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी लेना, और तुमको तीन लोगों को लिए वो प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरत होगी, तीन लोग होने ही चाहिए, तो एक को बैठा देना प्लास्टिक की कुर्सी पर, बैठाना कैसे कैसे है कि उसके पैर ना लटके हो, पैरों को भी वो ऊपर ही कर रख ले कुर्सी पर, और एक दूसरा बंदा उसमें पीछे से जल्दी जल्दी स्वापी मारे या कोई भी तौलिया मारे, तौलिया मारते टाइम उसकी कमर है जो कुर्सी की बैक साइड से चिपकी होनी चाहिए, और जब वो बैक साइड चिपकी रहेगी, तौलिया कंटिन्यूस मारते रहेंगे, तो उस स्थिति में अगर कोई तीसरा बंदा उसको टच करता है, थोड़ा करंट जैसा फील होता है, करंट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कुर्सी और तौलिया के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन, प्रेक्षण से क्या उत्पन्न हुआ, आवेश। और ये चौथा एग्जाम्पल घर्षण विधि। तो चारों एग्जाम्पलों से तुमने क्या सीखा कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होते हैं, और एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो दोनों पे आवेश तो आया, धनावेश आया हो या ऋणावेश आया, ये विधि क्या कहलाती है, घर्षण विधि। क्लियर है? एक बार और इसकी परिभाषा बता देता हूं मैं, कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर रह जाता पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। यही विधि कहलाती है आपकी घर्षण विधि। क्लियर?